हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग स्थान, लर्न टू नो एंड नो टू लर्न। आज मैं पावर सिस्टम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें हम पोल्स, टावर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक से हर एक जेई लेवल के एग्जाम में 2 to 3 क्वेश्चंस जरूर आते हैं, इसलिए यह टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए इस टॉपिक को कवर करने के लिए हम प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, ये कहता है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिशन लाइन आर विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए में कहता है पोल्स एंड टावर्स, ऑप्शन बी कहता है कंडक्टर्स, ऑप्शन सी कहता है इंसुलेटर्स एंड ऑप्शन डी कहता है ऑल ऑफ द एबव, यानी कि पोल्स, टावर्स, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो यदि हम इस ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू पावर को इस एंड से इस एंड तक ट्रांसमिट करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी वो है पोल्स, टावर्स, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पर पोल्स और टावर्स ये दोनों डिफरेंट हैं। यदि आप लो वोल्टेज की बात करोगे तो वहाँ पर हम पोल्स यूज करते हैं, और यदि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन की बात करें तो वहाँ पर हम टावर्स यूज करते हैं। ओके, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, ये कहता है कि एट अ डेड एंड ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन और एट अ कॉर्नर और शार्प कर्व विच टाइप ऑफ इंसुलेटर इज यूज्ड। और हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है, पिन टाइप इंसुलेटर, शैकल इंसुलेटर, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर एंड स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर। यहाँ पर डेड एंड का मतलब होता है ट्रांसमिशन लाइन का लास्ट पोल या फिर लास्ट टावर। कहने का मतलब, यदि यहाँ पर एक पोल है और यहाँ तक कुछ इस तरह से ट्रांसमिशन लाइन कनेक्टेड है, और साथ ही यदि इस पोल के बाद हमें पावर सप्लाई की जरूरत नहीं है या फिर हमें ट्रांसमिशन लाइन ले जाने की जरूरत नहीं है, तो ये कहलाता है डेड एंड। ओके, और ऐसे सिचुएशन में हम स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर यूज करते हैं। कौन सा इंसुलेटर? स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर हम यूज करते हैं। यहाँ देखिए, इस फिगर में ये जो इंसुलेटर है, दिस इज स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर। डेड एंड के अलावा यदि कहीं कॉर्नर हो या फिर शार्प कर्व हो जहां से हमें ट्रांसमिशन लाइन को मोड़ना पड़े, तो वैसे सिचुएशन में भी हम स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर यूज करते हैं। इसके अलावा यदि कोई रिवर क्रॉसिंग हो या फिर कोई रेलवे क्रॉसिंग हो, वहां भी हम स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर यूज करते हैं। यहां पर आप एक और पॉइंट नोट करिएगा कि जितने भी मैंने सिचुएशंस बताए हैं, चाहे वो डेड एंड हो या फिर शार्प कर्व हो या फिर रिवर क्रॉसिंग या रेलवे क्रॉसिंग हो, इन सारी जगहों पर टेंशन ऑफ कंडक्टर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आप यहाँ पर देखोगे कि सैग कम हो जाता है। ओके, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, ये कहता है कि इन केस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर्स With the increase in atmospheric temperature, what will happen? और हमारे पास 4 options given है, यानी कि इस question में ये कहता है कि यदि atmospheric temperature बढ़ जाए तो temperature बढ़ने से क्या क्या होगा। तो यहाँ देखिए, यदि atmospheric temperature increase कर जाए तो वैसे case में जो हमारा transmission line होता है, जो कि metallic conductor का बना होता है, तो ये कंडक्टर एक्सपैंड करेगा। हम लिखेंगे कि कंडक्टर विल एक्सपैंड, और कंडक्टर के एक्सपैंड करने की वजह से लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन विल इंक्रीज। जब ट्रांसमिशन लाइन का लेंथ इंक्रीज हो जाएगा तो वैसे केस में सैग इंक्रीज हो जाएगा, और सैग के इंक्रीज होने से जो स्ट्रेस होगा कंडक्टर पर, स्ट्रेस विल बी रिड्यूस्ड। एंड साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि टेंशन ऑफ द कंडक्टर विल रिड्यूस। ओके, तो अब आप ऑप्शंस को रीड करिए।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टेम्परेचर के बढ़ने से क्या क्या होने वाला है? तो ऑप्शन ए में कहता है लेंथ इंक्रीजेज बट स्ट्रेस डिक्रीजेज। यहाँ से टेम्परेचर बढ़ने से लेंथ इंक्रीज करता है लेकिन स्ट्रेस डिक्रीज करता है। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। ये कहता है कि इंसुलेटर्स आर जनरली मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल। ऑप्शन ए में कहता है ग्लास, ऑप्शन बी कहता है पॉर्सिलिन, ऑप्शन सी कहता है आरसीसी एंड ऑप्शन डी कहता है कैडमियम। तो यहाँ से आप नोट करिए कि जो हमारा इंसुलेटर होता है वह ग्लास का भी बना हो सकता है या फिर वो स्टीलाइट का भी बना हो सकता है या फिर वो आर्टिफिशियल मटेरियल का बना हो सकता है या फिर ये इंसुलेटर पोर्सिलिन का बना हो सकता है। ओके, लेकिन कुछ न कुछ डिसएडवांटेज होने की वजह से इन सभी मटेरियल से बना हुआ इंसुलेटर हम यूज नहीं करते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंसुलेटर्स जो कि हम यूज करते हैं वो जनरली बना होता है पोर्सिलिन का। और यहाँ पर आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये जो इंसुलेटर है यह पोर्सिलिन का ही बना हुआ है। और आप कहीं भी इंसुलेटर देखे होंगे तो आप कुछ इसी तरह के मटेरियल का बना हुआ देखे होंगे। ओके, तो इसका आंसर होगा पोर्सिलिन, यानी कि इंसुलेटर्स आर जनरली मेड ऑफ पोर्सिलिन। इट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ये कहता है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ इंसुलेटर यूज्ड फॉर होल्डिंग द HT ओवरहेड कंडक्टर ऑन स्ट्रेट रनिंग ऑफ द पोल्स। यहाँ इस क्वेश्चन से दो पॉइंट क्लियर है। पहला, ये जो HT है, HT मीन्स हाई टेंशन, और दूसरा पॉइंट आप मार्क करिए कि ऑन स्ट्रेट रनिंग ऑफ द पोल्स, यानी कि इस क्वेश्चन में कहता है कि हाई टेंशन कंडक्टर को होल्ड करने के लिए हम किस तरह का इंसुलेटर यूज करते हैं जबकि सारे पोल्स स्ट्रेट लाइन में ही हों, यानी कि यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन को टर्न करने की बात नहीं कही गई है या फिर कोई भी कर्व, रेलवे क्रॉसिंग इस तरह की बात नहीं किया गया है। यहाँ पर स्ट्रेट रनिंग ऑफ पोल्स की बात किया गया है और साथ ही ये बताया गया है कि कंडक्टर का टेंशन हाई है। तो हम देखते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन ए कहता है पोस्ट इंसुलेटर्स। दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, क्योंकि हम पोस्ट इंसुलेटर को बस वायर को सपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन बी कहता है पिन टाइप इंसुलेटर। यस, पिन टाइप इंसुलेटर को हम स्ट्रेट रनिंग ऑफ द पोल्स के केस में यूज कर सकते हैं, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी में कहता है स्टे इंसुलेटर। यह इंसुलेटर स्टे वायर में यूज होता है। और लास्ट ऑप्शन कहता है शैकल इंसुलेटर्स, जो कि सिर्फ लो वोल्टेज लाइन के लिए ही यूज किया जाता है, यानी कि जब लाइन का वोल्टेज लेस देन 11 किलो वोल्ट हो तब हम शैकल इंसुलेटर यूज कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में कहा है हाई टेंशन कंडक्टर, तो इसलिए शैकल इंसुलेटर को भी हम यहां पर यूज नहीं करेंगे। सो फाइनली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, यहां पर आप कुछ फिगर्स को देख लीजिए। दिस इज पिन टाइप इंसुलेटर, दिस इज शैकल इंसुलेटर एंड दिस इज स्टे इंसुलेटर। ओके, और ये जो वायर इसके साथ होता है ये कहलाता है स्टे वायर। ओके, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। ये कहता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन सपोर्ट्स यूज फॉर ट्रांसमिशन लाइन्स इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए कहता है RCC एंड PCC पोल्स। यहाँ पर यदि आप RCC और PCC का फुल फॉर्म लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं RCC stands for reinforced cement concrete poles और PCC का मतलब होता है pre-stressed cement concrete poles। ओके, देखते हैं अब नेक्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी में कहता है स्टील टावर्स, ऑप्शन सी कहता है स्टील पोल्स और ऑप्शन डी कहता है वुडन पोल्स, स्टील पोल्स, RCC एंड PCC पोल्स एंड स्टील टावर्स। तो यस, ऑल टाइप्स ऑफ लाइन सपोर्ट्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन लाइन, सो
ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है कि अ पिन टाइप इंसुलेटर इज मेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल। ऑप्शन ए कहता है पॉर्सिलिन, ऑप्शन बी कहता है ग्लास, ऑप्शन सी कहता है प्लास्टिक और ऑप्शन डी कहता है ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो पिन टाइप इंसुलेटर आप देख चुके हैं, यहाँ पर इस फिगर में देखिए, दिस इज पिन टाइप इंसुलेटर और ये इंसुलेटर पोर्सिलिन का बना हुआ है। लेकिन यदि बहुत ही लो वोल्टेज के लिए आपको इंसुलेटर बनाना है तो वैसे केस में आप पिन टाइप इंसुलेटर ग्लास से भी बना सकते हैं, बट पिन टाइप इंसुलेटर या फिर सस्पेंशन इंसुलेटर या फिर स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर, कोई भी तरह का इंसुलेटर हो, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल इज पोर्सिलिन। ओके सो हम ऑप्शन ए को मार्क करेंगे। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है कि विच इंसुलेटर इज यूज्ड ऑन डेड एंड ऑफ मीडियम वोल्टेज लाइन। यानी कि यहाँ पर डेड एंड की बात किया है, डेड एंड पर हम किस तरह का इंसुलेटर यूज करेंगे और हमारे पास ऑप्शंस में गिवन है शैकल टाइप, ऑप्शन बी कहता है पिन टाइप, ऑप्शन सी एग टाइप, ऑप्शन डी कहता है डिस्क टाइप। तो इसका आंसर होगा शैकल टाइप इंसुलेटर, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यदि यहाँ मीडियम वोल्टेज नहीं होता, हाई वोल्टेज होता और ऑप्शंस में हमें स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर गिवन होता तो हम स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर को मार्क करते, लेकिन मीडियम वोल्टेज लाइन के लिए यदि हमारे पास शैकल टाइप इंसुलेटर अवेलेबल है तो हम उसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप फिगर में देखिए, ये है आपका शैकल टाइप इंसुलेटर। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, ऑप्शन बी में कहता है पिन टाइप इंसुलेटर, तो हम पिन टाइप इंसुलेटर डेड एंड के केस में यूज नहीं करेंगे क्योंकि पिन टाइप इंसुलेटर हाई टेंशन ऑफ कंडक्टर को बियर नहीं कर पाता है, इसलिए पिन टाइप यूज नहीं करेंगे। ऑप्शन डी में कहता है डिस्क टाइप, ये भी यूज नहीं होगा और ऑप्शन सी कहता है एग टाइप, ये भी यहाँ पर यूज नहीं होगा क्योंकि एग टाइप इंसुलेटर स्टे केबल में यूज किया जाता है, इसका दूसरा नाम स्टे इंसुलेटर भी है। सो क्वेश्चन नंबर 8 का जो फाइनल आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है कि मैक्सिमम परमिसेबल स्पैन इन मीटर फॉर वुडन पोल्स इज व्हाट। और हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है। यदि हम वुडन पोल्स की बात करें तो इसका मैक्सिमम परमिसेबल स्पैन जो होने वाला है दैट इज 60 मीटर, यानी कि अप टू 60 मीटर स्पैन हम वुडन पोल्स यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस में 60 मीटर गिवन नहीं है। तो हम आंसर को मार्क करने के लिए 60 मीटर के जो करीब वैल्यू होगा उसे हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शंस में देखिए, 30 मीटर को तो मार्क नहीं करेंगे लेकिन हम 75 मीटर को मार्क कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके यहाँ आप कुछ और पोल्स के स्पैन के बारे में देख लीजिए, तो यदि स्टील पोल्स की बात किया गया हो उसका जो स्पैन होगा दैट इज अराउंड 50 मीटर टू 80 मीटर्स, यदि हम आरसीसी पोल्स की बात करें तो इसका जो स्पैन होगा दैट इज अराउंड 80 मीटर्स टू 200 मीटर्स, लेकिन यदि स्टील टावर की हम बात करें तो इसका स्पैन मोर देन 200 मीटर होगा, लेकिन स्टील टावर का जो स्पैन होगा 200 मीटर से ज़्यादा तो है बट अप टू 450 मीटर्स ओनली। यानी कि आप मोर देन 200 मीटर से ये नहीं समझ लीजिएगा कि मोर देन 200 मीटर है तो हम कुछ भी ले सकते हैं, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। यदि आप स्पैन की बात करें तो स्पैन होता क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स। सपोज ये है एक टावर और यह है एक दूसरा टावर, ट्रांसमिशन लाइन यहाँ से कनेक्ट होके इस टावर के यहाँ पे कनेक्टेड हैं, तो जो स्पैन होगा वो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा। यदि हम स्टील टावर की बात करें तो स्पैन इज मोर देन 200 मीटर, कहने का मतलब कि दो टावर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 200 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए और लगभग 450 मीटर से कम ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए,
यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक पोल आपने यहाँ पे लगाए हैं और दूसरा पोल 1 किलोमीटर के बाद लगाए हैं या फिर 1.5 किलोमीटर के बाद लगाए हैं। दिस इज़ नॉट परमिशेबल। ओके, यहाँ पर आप ये भी नहीं कर सकते कि एक पोल आपने यहाँ लगाए हैं और दूसरा पोल आप 100 मीटर के अंदर ही लगा दो, तो फिर इससे क्या होगा कि ट्रांसमिशन का कॉस्ट बढ़ जाएगा और यह इकोनॉमिकल नहीं होगा। ओके, तो इसी वजह से हर एक पोल के कॉस्ट, उसका स्ट्रेंथ, उसका स्ट्रेस, सब कुछ देखने के बाद ही ये डिसाइड किया जाता है कि उसका स्पैन कितना होना चाहिए। ओके, क्लियर है यहाँ तक? बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है कि इंसुलेटर दैट इज यूज्ड इन लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस इज नोन एज व्हाट। यानी कि क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए कौन सा इंसुलेटर हम यूज करते हैं। ओके, यहाँ आप लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से ये समझ सकते हैं जो हम लोग अपने घरों में सप्लाई लेते हैं वो लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से ही लिया जाता है। तो लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को सपोर्ट करने के लिए जो पोल्स यूज होते हैं तो वहाँ पर शैकल टाइप इंसुलेटर यूज होता है। लेकिन यदि हम प्रैक्टिकली बात करें तो नाउ अ डेज शैकल टाइप इंसुलेटर इज रेयरली यूज्ड। ओके, इसे आप कहीं कहीं देखेंगे, ज़्यादातर हम इसे यूज़ नहीं करते हैं। बट फिर भी यदि लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की बात किया गया है तो मोस्ट सुटेबल जो इंसुलेटर होगा दैट इज शैकल टाइप इंसुलेटर, क्योंकि ये लेस देन 11 किलो वोल्ट के लिए यूज़ किया जाता है। यदि आप स्ट्रेन टाइप या फिर सस्पेंशन टाइप की बात करोगे तो ये हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज़ किया जाता है, और यदि आप पिन टाइप इंसुलेटर को देखोगे तो ये अप टू 33 किलो वोल्ट के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, तो इन सारे इंसुलेटर में यदि लो वोल्टेज सिस्टम की हम बात करें तो शैकल इंसुलेटर ही मोस्ट सुटेबल होता है, क्योंकि जो हमारे मोहल्ले में लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस यूज होता है उसकी कुछ कंडीशंस भी होती हैं कि कुछ डिस्टेंस के बाद उसे एक एंगल पर ले जाने की ज़रूरत हो सकती है, और कहीं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को हॉरिजेंटली ले जाना पड़ता है तो कहीं हम वर्टिकली ले जाना प्रेफर करते हैं। ओके, तो ऐसे केस में शैकल इंसुलेटर मोस्ट सुटेबल होता है, क्योंकि इसे हम किसी भी पोजीशन पर यूज कर सकते हैं, किसी भी एंगल पर यूज कर सकते हैं, और साथ ही ये इकोनॉमिकल भी होता है फॉर लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए। ओके, इसलिए हम शैकल इंसुलेटर को मार्क करेंगे, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पोर्सिलेन इंसुलेटर्स। तो यहाँ आप याद रखिए कि पोर्सिलेन इंसुलेटर जिस मटेरियल का बना होता है उसका नाम है पोर्सिलेन, और पोर्सिलेन इज अ मिक्सर ऑफ काओलिन, क्वार्ट्ज एंड फेल्डस्पर। यानी कि पोर्सिलेन मटेरियल काओलिन, क्वार्ट्ज और फेल्डस्पर के मिक्सचर का बना हुआ होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि पोर्सिलेन इंसुलेटर में क्या नहीं होता है, तो इसका आंसर होगा सिलिका, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, और हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है। चारों ऑप्शंस को आप अगर देखिएगा तो यहां से ये पता चलता है कि इस क्वेश्चन में टेम्परेचर, टेंशन और सैग इन द ट्रांसमिशन लाइन के बारे में बात किया है, तो हम देख लेते हैं कि इन तीनों का क्या रिलेशन होता है। वैसे क्वेश्चन नंबर 3 में मैं इसे बता चुका हूँ कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से मेटालिक कंडक्टर एक्सपेंड होता है, जिसकी वजह से लेंथ ऑफ द कंडक्टर विल इंक्रीज। जब ट्रांसमिशन लाइन का लेंथ इंक्रीज हो जाएगा तो सैग विल इंक्रीज, सैग के इंक्रीज करने से टेंशन इन द ट्रांसमिशन लाइन विल डिक्रीज। ओके, तो यहाँ से आप ऑप्शंस को रीड करिए। ऑप्शन ए कहता है कि एज द टेम्परेचर राइजेज द टेंशन इन द ट्रांसमिशन लाइन डिक्रीजेज,
यहाँ से देखिए कि टेम्परेचर राइज करने से ट्रांसमिशन लाइन का जो टेंशन है वो डिक्रीज होता है, इसलिए पहला स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी को देखिए, ये कहता है कि एज टेम्परेचर राइजेज सैग इन द ट्रांसमिशन लाइन रेड्यूसेस। यहाँ से आप देखिए कि टेम्परेचर के बढ़ने से सैग भी बढ़ जाता है, इसलिए आप ये कहेंगे कि दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि टेंशन एंड सैग इन ट्रांसमिशन लाइन्स आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो यहाँ आप सबसे पहले कम्प्लीमेंट्री को समझ लीजिए। जिस तरह से मेल एंड फीमेल एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं, दिन और रात एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं, अंधकार और प्रकाश एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं। यदि लाइट बढ़ने लग जाए तो वैसे ही अंधेरा दूर हो जाता है। ठीक उसी तरह यदि आप सैग और टेंशन को कंपेयर करेंगे तो जैसे ही सैग बढ़ने लग जाएगा तो टेंशन इन द ट्रांसमिशन लाइन रिड्यूस हो जाता है, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि सैग एंड टेंशन आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ओके, यानी कि तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये बताना है कि इन सारे स्टेटमेंट में कौन सा इनकरेक्ट है, तो हम ये कहेंगे कि दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन बी को हम मार्क करेंगे। ओके, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, ये कहता है कि वुडन पोल्स आर नॉट यूज्ड बिकॉज विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। यहाँ आप ऑप्शंस को पढ़िए। ऑप्शन ए कहता है कि दे इजिली रॉट बिलो द ग्राउंड लेवल एंड लिमिटेड टू लाइन वोल्टेज ऑफ 11 kV। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। दूसरा ऑप्शन कहता है लाइट इन वेट। तीसरा ऑप्शन कहता है कैन इजिली द फिटेड एंड शिफ्टेड। चौथा ऑप्शन कहता है चीप इन कॉस्ट। ये तीनों स्टेटमेंट भी वुडन पोल्स के लिए सही हैं, लेकिन जो क्वेश्चन में हमें पूछा है कि हम वुडन पोल्स को क्यों यूज नहीं करते हैं, नॉट यूज्ड बिकॉज ऑफ विच रीजन, तो इसका आंसर ये होगा कि वुडन पोल्स हैज डिसएडवांटेज ऑफ रोटिंग बिलो द ग्राउंड लेवल, और इसी वजह से हम वुडन पोल्स को यूज नहीं करते हैं, तो इसलिए आप ऑप्शन ए को मार्क करेंगे, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14, ये कहता है कि पिन इंसुलेटर्स आर नॉर्मली यूज्ड अप टू वोल्टेज ऑफ अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स। क्वेश्चन में ये पूछा है कि पिन इंसुलेटर को हम किस वोल्टेज लेवल तक यूज कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा अप टू 33 kV। ओके, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15, ये कहता है कि सेटिंग डेप्थ ऑफ पोल्स इज व्हाट एंड वी हैव 4 ऑप्शंस। यानी कि इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि किसी भी पोल के कितने पार्ट को हम जमीन के अंदर बड़ी करते हैं, तो इसका आंसर होगा 1/5 पार्ट ऑफ द पोल। यानी कि यदि किसी पोल की लंबाई 10-12 meters हो तो अबाउट 2 meters फ्रॉम बॉटम इज बरीड इन द ग्राउंड। ओके, तो इसलिए आप ये कह सकते हो लगभग 1/5 ऑफ द पोल लेंथ इज बरीड इन द ग्राउंड। यहाँ ऑप्शंस को देखिए। ऑप्शन बी में कहता है 1/5 पार्ट ऑफ द लेंथ ऑफ पोल, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 16, ये कहता है कि इन एनी केस वेयर द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज इंक्रीज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। और जो ऑप्शंस हमें गिवन है वो है कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस के बारे में। यानी कि यदि आप टावर के हाइट को इंक्रीज कराते हो तो कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन पे क्या फर्क पड़ता है, ये क्वेश्चन में पूछा है। ओके, तो इसके लिए यहाँ देखिए, यदि हाइट ऑफ टावर को इंक्रीज किया जाए तो ट्रांसमिशन लाइन के इंडक्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इंडक्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द हाइट ऑफ टावर। लेकिन यदि कैपेसिटेंस टू ग्राउंड या फिर लाइन कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटेंस का इनवर्स रिलेशन होता है हाइट ऑफ टावर के साथ। इसका मतलब
यदि हम टावर की हाइट को इंक्रीज कराते हैं तो कैपेसिटेंस की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। अब आप यहां ऑप्शंस को रीड करिए। ऑप्शन डी में कहता है कि द लाइन कैपेसिटेंस विल डिक्रीज बट लाइन इंडक्टेंस रिमेन्स अनचेंज्ड। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो फाइनली ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। ये कहता है कि फॉर ट्रांसमिशन लाइन्स स्टील पोल्स आर जनरली यूज्ड बिकॉज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहाँ इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि जनरली हम स्टील पोल्स जो यूज करते हैं उसे यूज करने का क्या कारण है। तो आप स्टेटमेंट ए को रीड करिए। ये कहता है कि इट हैज मोर मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड मोर लाइफ। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसकी वजह से हम स्टील पोल्स को यूज करते हैं। स्टेटमेंट बी को पढ़िए। ये कहता है इट ऑक्यूपाइज लेस स्पेस एंड गिव बेटर अपीयरेंस। यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। इसकी वजह से भी हम स्टील पोल्स को यूज करते हैं। नाउ स्टेटमेंट सी को रीड करिए। ये कहता है इट हैज हाई कॉस्ट। यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। यदि हम स्टील पोल्स को वुडन पोल से कंपेयर करें तो स्टील पोल्स का जो कॉस्ट होता है वो हाई तो होता है, लेकिन कॉस्ट के हाई होने की वजह से हम किसी पोल्स को तो यूज नहीं करेंगे। तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट सुटेबल हियर। सो फाइनली हम ये कह सकते हैं स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी बोथ आर करेक्ट। तो अब देखिए इनके ऑप्शंस को। ऑप्शन सी में कहता है बोथ ए एंड बी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। ये कहता है कि द इंसुलेशन रेसिस्टेंस ऑफ अ केबल ऑफ लेंथ 10 किलोमीटर इज 1 मेगा ओम। फॉर अ लेंथ ऑफ 100 किलोमीटर ऑफ सेम केबल द इंसुलेशन रेसिस्टेंस विल बी व्हाट। यह केबल का क्वेश्चन है। केबल के केस में जो उसका इंसुलेशन रेसिस्टेंस होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द केबल। यानी कि यदि केबल का लेंथ इंक्रीज होगा तो रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा। लेकिन यदि आप एक नॉर्मल कंडक्टर की बात करो, नॉर्मल कंडक्टर में जो कंडक्टर मटेरियल का रेसिस्टेंस होता है दैट विल बी इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाय ए। यानी कि आप यहां से ये कह सकते हैं कि रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ओके, लेकिन यहां पर इंसुलेशन रेसिस्टेंस की बात हो रही है, कंडक्टर के मटेरियल की बात नहीं हो रही है। इसलिए इन केस ऑफ इंसुलेशन रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द केबल। सो यहां से आप ये देख सकते हैं कि यदि 10 किलोमीटर लेंथ का केबल है और उसका इंसुलेशन रेसिस्टेंस 1 मेगा ओम है तो 100 किलोमीटर लेंथ के केबल का जो इंसुलेशन रेसिस्टेंस होगा वो होगा 1 डिवाइडेड बाय 10 मेगा ओम। लेंथ यहां पर 10 टाइम्स इंक्रीज हुआ है तो रेसिस्टेंस 10 टाइम्स डिक्रीज होगा। यानी कि दैट विल बी इक्वल टू 0.1 मेगा ओम। ये होगा 100 किलोमीटर लेंथ के केबल का इंसुलेशन रेसिस्टेंस। यानी कि ऑप्शन सी को आप देखिए, ऑप्शन सी में कहता है 0.1 मेगा ओम। यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। ये कहता है कि द सैग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर इन समर इज व्हाट। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इन समर यानी कि गर्मी के दिनों में एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इन विंटर। और यदि टेम्परेचर ज्यादा हो तो मेटालिक कंडक्टर एक्सपेंड होता है जिसकी वजह से लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन विल इंक्रीज। और जब लेंथ इंक्रीज होता है तो हम ये कहेंगे कि सैग विल इंक्रीज इन समर एज कंपेयर टू विंटर। यानी कि गर्मी के दिनों में ट्रांसमिशन लाइन का जो सैग होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सैग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इन विंटर सीजन। यहां से आप ऑप्शंस को देखिए। ये कहता है कि सैग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इन समर इज मोर देन दैट इन विंटर। यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। ये कहता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसुलेटर्स यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन लाइंस आर
विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ट्रांसमिशन लाइन्स में हम किन किन तरह के इंसुलेटर को यूज करते हैं। ऑप्शन ए कहता है पिन टाइप ओनली, ऑप्शन बी कहता है सस्पेंशन टाइप ओनली, ऑप्शन सी कहता है स्ट्रेन टाइप ओनली, ऑप्शन डी कहता है पिन टाइप भी हम यूज कर सकते हैं, कहीं हम सस्पेंशन टाइप यूज करते हैं तो कहीं शैकल टाइप यूज करना पड़ता है। सो फाइनली ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। ये कहता है कि इन ट्रांसमिशन लाइन्स द क्रॉस आर्म्स आर मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल। तो क्रॉस आर्म स्टील का बना होता है, कॉपर, वुड या फिर आरसीसी का बना हुआ नहीं होता है, इसलिए हम ऑप्शन बी को मार्क करेंगे। ओके, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22। ये कहता है कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन्स यूज विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलेटर्स। ऑप्शन ए कहता है पिन इंसुलेटर, विच इज नॉट करेक्ट, क्योंकि पिन इंसुलेटर को हम लेस देन 33 किलो वोल्ट के लिए ही यूज करते हैं। ऑप्शन बी कहता है सस्पेंशन इंसुलेटर और ऑप्शन सी कहता है शैकल इंसुलेटर। शैकल इंसुलेटर को हम लेस देन 11 किलो वोल्ट के लिए ही यूज करते हैं, जबकि सस्पेंशन इंसुलेटर को हम हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज करते हैं। ओके, सो फाइनली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। ये कहता है कि टू प्रिवेंट द डिकेइंग ओविंग टू स्नो एंड रेन द वुडन पोल्स आर प्रोटेक्टेड बाय डैश कैप एट द टॉप। यानी कि क्वेश्चन में ये पूछा है कि वुडन पोल्स को स्नो या रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए हम किस तरह का कैप यूज करते हैं। तो यहां देखिए, दिस इज वुडन पोल जिसके 1/5 पार्ट को हम ग्राउंड कर देते हैं और जो वुडन पोल का टॉप पोर्शन है, दिस पोर्शन, यहाँ पर यदि बारिश का पानी लगातार इस पे गिरता रहे या फिर स्नोफॉल हो तो इसकी वजह से वुडन पोल की लाइफ कम हो जाएगी और यह जल्दी डिके कर जाएगा। इसलिए स्नो और रेन से बचाने के लिए इस पोल के टॉप पोर्शन को कैप से ढक देते हैं, लाइक दिस। इसको इस तरीके से कवर किया जाता है और ये जो कैप होता है ये एल्यूमिनियम का भी बना हो सकता है, ये जिंक का भी बना हो सकता है और ये सीमेंट का भी हो सकता है। यानी कि कैप को हम एल्यूमिनियम, जिंक या सीमेंट से बनाते हैं। तो आप ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शन डी में कहता है ए बी एंड सी, यानी कि एल्यूमिनियम, जिंक एंड सीमेंट ऑल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24। ये कहता है स्टील रेल पोल्स ऑफ हाइट 13 मीटर आर यूज फॉर ट्रांसमिशन पर्पस ऑफ व्हाट वोल्टेज। तो सबसे पहले आप स्टील पोल्स के बारे में जान लीजिए। स्टील पोल्स तीन तरह के होते हैं, पहला स्टील ट्यूबुलर पोल्स, दूसरा स्टील रेल पोल्स और तीसरा रोल्ड स्टील ज्वाइंट्स पोल। इसे हम आरएस ज्वाइंट्स भी कहते हैं क्योंकि आरएस स्टैंड्स फॉर रोल्ड स्टील। ओके, इसमें से स्टील रेल पोल्स के बारे में हमसे पूछा गया है, तो इसका जो नाम है स्टील रेल पोल्स, ये इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका शेप इज जस्ट लाइक रेलवे ट्रैक। ओके, इसलिए इसको हम स्टील रेल पोल्स कहते हैं। कुछ चीजें हम स्टील रेल पोल्स के बारे में जान लेते हैं कि यदि इसकी हाइट 11 मीटर हो तो इसे हम यूज करते हैं फॉर 11 किलो वोल्ट ट्रांसमिशन लाइन, और यदि स्टील रेल पोल्स की हाइट 13 मीटर हो तो इसे हम यूज करेंगे 33 किलो वोल्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए। ओके, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है कि यदि स्टील रेल पोल्स की हाइट 13 मीटर हो तो हम किस वोल्टेज लेवल के लिए इसको यूज करेंगे, तो इसका आंसर होगा 33 किलो वोल्ट। ओके, 13 मीटर हाइट वाले स्टील रेल पोल्स को हम 33 किलो वोल्ट ट्रांसमिशन पर्पस के लिए यूज करते हैं, यानी कि ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, लेकिन जो आंसर एसएससी ने दिया था वो था ऑप्शन डी, यानी कि बोथ 33 किलो वोल्ट एंड 11 किलो वोल्ट। ओके, ये आंसर एसएससी के द्वारा दिया हुआ है, लेकिन जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो 33 किलो वोल्ट। ओके, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर
25 ये कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम स्पैन अप टू विच द वुडन पोल्स कैन बी यूज्ड, यानी कि इस क्वेश्चन में ये पूछा है वुडन पोल्स को यूज करने के लिए मैक्सिमम स्पैन कितना होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा 60 मीटर। मैं पहले ही किसी क्वेश्चन में ये पॉइंट डिस्कस कर चुका हूं। तो वुडन पोल्स के लिए जो मैक्सिमम परमिसेबल स्पैन होगा दैट इज 60 मीटर। ओके, सो फाइनली ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 ये कहता है फॉर व्हाट वोल्टेज इज द एच टाइप ऑफ पोल्स यूज्ड। तो एच टाइप ऑफ रोल्ड स्टील जॉइंट्स पोल को हम मैक्सिमम 132 किलो वोल्ट तक के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ गिवेन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी में देखिए ये कहता है 130 किलो वोल्ट, सो हम ऑप्शन बी को मार्क करेंगे। ओके, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 ये कहता है इफ स्पैन लेंथ इज डबल्ड विथ नो चेंज इन अदर फैक्टर्स द सैग ऑफ द लाइन विल बिकम व्हाट। तो इसके लिए आप ये याद रखिए कि सैग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पैन लेंथ का स्क्वायर, यानी कि यदि आप स्पैन लेंथ को डबल करते हैं तो सैग 4 times हो जाएगा। तो यहां से आप कौन से ऑप्शंस को मार्क करोगे, ऑप्शन सी में गिवन है 4 times, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 ये कहता है द सैग ऑफ द कंडक्टर्स ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन इज 2.5 meters व्हेन द स्पैन लेंथ इज 250 meters। नाउ इफ द हाइट ऑफ सपोर्टिंग टावर्स इज इंक्रीज्ड बाय 25% देन द सैग विल। यहां पर ये कहा है कि 250 meters स्पैन लेंथ के लिए जो सैग है कंडक्टर का वो है 2.5 meters। क्वेश्चन में ये कहा कि यदि हम सपोर्टिंग टावर के हाइट को 25% से इंक्रीज कर दें तो सैग पे क्या फर्क पड़ेगा। तो यहां से आप ये याद रखिए कि सैग इज इंडिपेंडेंट ऑफ हाइट ऑफ टावर। यदि हम टावर की हाइट को इंक्रीज करें या फिर डिक्रीज करें उससे सैग पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो वी कैन से दैट सैग विल रिमेन अनचेंज्ड, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 ये कहता है कि द रेशियो ऑफ लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस एंड लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस इज व्हाट। तो इसके लिए आप यहां देखिए कि दिस इज कंडक्टर ए एंड दिस वन इज कंडक्टर बी। यदि आप इन दोनों कंडक्टर के बीच का लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना चाहते हो, यानी कि कैपेसिटेंस सी ए बी, तो ये आपको मिलेगा सी ए बी इज इक्वल टू पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय ln d अपॉन r फैराड पर मीटर। ये होगा सी ए बी, यानी कि लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस की वैल्यू। यदि आप लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना चाहोगे तो वो कुछ यहां से आपको मिलेगा समवेयर हियर इज पॉइंट ऑफ न्यूट्रल। यदि हम लाइन टू न्यूट्रल का कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना चाहें तो इसे हम c से डिनोट करते हैं और C will be equal to 2 times of pi epsilon naught epsilon r divided by ln d upon r, okay, that farad per meter। ये होगा line to neutral capacitance, इसे आप Cn लिख लीजिए, और ये है line to line capacitance CAV। और इस question में पूछा है ratio of line to line capacitance and line to neutral capacitance कितना होगा, यानी कि CAB डिवाइडेड बाय CN ये कितना होगा। तो दिस विल बी इक्वल टू 1/2। तो आप किस ऑप्शन को मार्क करोगे, ऑप्शन ए में कहता है 1/2, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। ये कहता है कि अ लाइटनिंग अरेस्टर इज यूजुअली लोकेटेड नियर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले आप लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में जान लीजिए। ये सबस्टेशन में यूज किया जाता है टू प्रोटेक्ट इक्विपमेंट्स फ्रॉम लाइटनिंग, और इसके लिए हम लाइटनिंग अरेस्टर को सबस्टेशन के दोनों साइड लगाते हैं।
यानी कि लाइटनिंग अरेस्टर इज द फर्स्ट एंड लास्ट इक्विपमेंट ऑफ द सब स्टेशन एंड इट इज लोकेटेड नियरर टू द ट्रांसफॉर्मर। यह है सब स्टेशन और सब स्टेशन के दोनों साइड हम लाइटनिंग अरेस्टर यूज करते हैं, यहाँ भी एंड यहाँ भी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि लाइटनिंग अरेस्टर इज द फर्स्ट एंड लास्ट इक्विपमेंट ऑफ द सब स्टेशन, और लाइटनिंग अरेस्टर को हम ट्रांसफॉर्मर के नज़दीक इंस्टॉल करते हैं। सो फ्रॉम द ऑप्शंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, शेयर करिए। यदि अच्छा ना लगे तो आप हमें कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि इस वीडियो में किस तरह की कमी रह गई, ताकि मैं उसे सुधार सकूं और आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।